लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। साल की आखिरी महीने दिसंबर की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। मौसम के बदलते मिजाज से दिसंबर माह का दूसरा दिन भी बारिश के बेट चढ़ गया है। इसे नवी मुंबई में जहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, वही परिवहन सेवाओं पर भी असर देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार दो दिनों में औसतन 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। देखिए रिपोर्ट। दिसंबर माह के पहले दिन से शुरू हुई बेमौसम बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज दूसरे दिन भी नवी मुंबई और आसपास के इलाकों में दिन भर बारिश का दौरा जारी रहा, जिससे तापमान में भारी गिरावट और ठंडी का आलम रहा। मॉनसून के दिनों जैसे बारिश से यहां जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, वहीं परिवहन सेवाओं भी प्रभावित रही। नवी मुंबई मनपा के आपदा व्यवस्थापन अधिकारियों ने बताया कि दो दिनों में औसतन 89.84 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इलाकों के अनुसार 1 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे से लेकर 2 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे तक बेलापुर में 89.70 मिलीमीटर, नेरुल में 80 मिलीमीटर, वाशी में 91.20 मिलीमीटर, कोपरखेन्ना में 84.40 मिलीमीटर, जबकि एरोली क्षेत्र में सबसे अधिक 92.90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं 4 ठिकानों पर पेड़ गिरने और 2 ठिकानों से फायर कॉर मिलने की खबर आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम का यही मिजाज रहने का अनुमान है। महानगर पालिका ने नागरिकों से सेहत को लेकर सावधान रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।